वेलकम टू माय चैनल मिस्टर हैंस करियर्स। गाइस, आज थोड़ा सा सीरियस टॉपिक लिया है मैंने। आज मैं बताने वाला हूं आपको कोरोना वायरस जो चाइना से आ रहा है। गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च करी जा रही है कि ये वायरस कहां से आ रहा है। इसके वायरस के बारे में जो डिटेल्स मुझे पता लगी है वो ये पता लगी है कि ये वुलन एक वेट मार्केट है चाइना में, वहां से आ रहा है। वहां पे चाइना में लोग चंगादड़ खा रहे हैं और चंगादड़ के अंदर वायरस कोरोना वायरस जिसकी वजह से कितने लोगों की जान गई। सो मेनी पीपल हैव बीन डाइड फ्रॉम दिस वायरस, सच अ बैड थिंग। हम मैमल्स को, ये कैमल्स, बैट्स, कैटल, इन सबको नहीं खाना चाहिए, पर वहां पे खाते हैं और ये इलीगल है। दिस सेलिंग बैड बैड एनिमल इज इलीगल। गवर्नमेंट हैज बैन देयर इनकम दिस मार्केट। अब ये जो वायरस है इससे बचा कैसे करें? ये जो वायरस है ना, इसके सिम्टम्स में सबसे पहले बताऊं। इस वायरस के सिम्टम्स है टायर्डनेस होती है, दूसरा डिफिकल्टी ब्रीदिंग, टेम्परेचर और कफिंग होती है, स्रोत छोट होती है। अब ये जब इससे बचने के जो प्रिकॉशंस है वो बहुत आसान है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको? हाथ धोने चाहिए, वॉश योर हैंड्स and do not touch your eyes and nose without washing your hands. मतलब hands पे ये जैसे कफिंग और स्नीजिंग का जर्म्स का फैलना होता है, ये बिल्कुल वैसी वायरस है। अब इसको नाम दिया गया 2019 COV, मतलब पूरा नाम इसका है 2019 नोवल कोरोना वायरस। अब जो ये नोवल कोरोना वायरस है इसने अब तक 300 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है और 14,000 लोग इससे अफेक्टेड हैं और हॉस्पिटल। मतलब एक बैग में खाने की वजह से जो वायरस है वो कितने लोगों के अंदर ट्रैवल करता है। और अगर आप जैसे एरोप्लेन में हो तो एरोप्लेन में आपको सजेस्ट करूंगा कि विंडो सीट पर बैठो, क्योंकि जो इस वायरस से अफेक्टेड होगा उसका अगर स्नीजिंग या कफिंग करते हुए कुछ भी ड्रॉप आपके ऊपर गिर गया तो आपके ऊपर गिर सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपको यह वायरस है, इससे कोई प्रॉब्लम, मतलब इससे अफेक्टेड हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर आपको उसकी सही एडवाइस देगा कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। और बहुत सारे जैसे चाइनीज लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो जब इसके बारे में इंडिया में पता लगा तो एयरपोर्ट पे चेकिंग करते हैं, हेल्थ चेकिंग करते हैं कि कहीं इस बंदे को वायरस तो नहीं है। और आपने देखा होगा आजकल तो चाइनीज लोग मास्क पहनते हैं, मास्क नॉर्मल मास्क नहीं, स्पेशल मास्क है, उसमें 0.1 नैनोमीटर का इतना बारीक मास्क होता है कि वो जो वायरस है वो जो ब्रीथ है वो बाहर नहीं आता। जिनको ये वायरस है वो ये पहनते हैं ताकि दूसरे को, ये बहुत वायरल वायरस है। इसी की तरह बैग में और दो वायरस है, उनका नाम है, एक का वायरस का नाम है MERS। MERS का मतलब है मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और एक है SARS। SARS का मतलब है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और जो ये MERS नाम का सिंड्रोम है ना, जो बैग के अंदर पाया जाता है, 2002 में इससे 1500 लोगों की जान ली। और एक वायरस है जिसका नाम है H1N1 वायरस, जिसको पिग इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, जो सुअर से आया था, मतलब जो पिग खाते थे उनके अंदर फैला था 1919। और इससे कम से कम भी 50 से 100 मिलियन लोगों की मौत हुई। तो आप ये देख लो ये वायरस कितना खतरनाक है, मतलब जो H1N1 पिग इन्फ्लुएंजा वायरस था, अब ये कोरोना नाम का वायरस है। और ये पहली बार जब डिटेक्ट किया गया था 31 दिसंबर 2019, और वो भी इसी मार्केट। और चाइना को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने विद इन अ वीक 1000 बैग्स का हॉस्पिटल तैयार किया, ताकि इन जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं इनको सोल्यूशन मिल सके, इनकी जो ये वायरस है इसको स्टॉप किया जा सके। अभी हाल ही में कल पता नहीं परसों एक फिलिपींस की भी मौत हो गई इसी वायरस के कारण। इस वायरस से बचने के लिए गाइस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी या तो अपने हैंड वॉश करके रखें, और किसी भी अफेक्टेड पर्सन के 6 फीट से ज्यादा पास ना रहें, वरना ये वायरस अगर हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। इंडिया में भी एक केस हुआ है, इंडिया का मैं केस करूं तो केरला में एक बंदे को वायरस हुआ, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कोशिश करनी चाहिए कि इस वायरस से जितना दूर रहे, जितना बचा जा सके उतना अच्छा, वरना इस हमारी जितना दूर है। स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।